गाइस, मैं आप सभी को इस वीडियो में फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो आप सभी अपने फिंगर्स को, अपने हैंड्स को देख के ये जो भी फलादेश है वो आप देख सकते हो। सबसे पहला, अगर आपका फेट लाइन मणिबंध से यानी कि इधर से स्ट्रेट, मतलब मेरा स्ट्रेट नहीं गया लेकिन स्ट्रेट अगर शनि क्षेत्र तक जाए मिडिल फिंगर के जस्ट बिलो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ये एक तो सफलता को बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही अधिक सक्सेस करोगे, पर कहाँ करोगे इसके बारे में ये नहीं बताता। ये बस ये बताता है कि आपका जीवन होगा वो एक सक्सेसफुल होगा, आप अपने लाइफ में तरक्की करोगे और प्रोग्रेस करोगे। अगर आपका ये जो फेट लाइन है वो मणिबंध से ना होकर लाइफ लाइन यानी कि इधर से शुरू होके और फिर स्ट्रेट जाए, तो इसका मतलब होता है कि आप मेहनत करोगे और अपने जीवन में खूब पैसा और धन कमाओगे। वहीं अगर चंद्र पर्वत से रेखा भाग्य रेखा बन के स्ट्रेट जाए, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन में दूसरों की मेहनत या दूसरों की सहायता से ज़रूर सक्सेस करोगे। मतलब आपको दूसरे का हेल्प ज़रूर लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट स्वार्थी रूप से काम करते जा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपके लिए वो नहीं है। आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, आपको दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब देखना आपका सक्सेस ज़रूर होगा। अगर ये फेट लाइन स्ट्रेट यहीं से निकले और साथ ही साथ चंद्र पर्वत से कोई रेखा सेपरेट, मतलब अलग से ही इसकी एक रेखा साथ साथ पैरेलली आगे बढ़े, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो शादी होने वाली है एक अत्यंत धनी परिवार में, अगर फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल, तो वो जो स्त्री की मदद से आप ज़रूर सफल होगे और अत्यंत धनी परिवार में आपकी शादी होगी। अगर आपकी ये जो भाग्य रेखा है ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, अगर यहाँ से भी निकल कर ये अगर लाइफ लाइन को काट दे, मतलब यहाँ पर कट हो गया, किसके कारण हुआ? फेट लाइन के कारण लाइफ लाइन को इन्होंने काट दिया, तो इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में कोई ब्लेम, अपमान, कलंक, ऐसी सब बुरी चीज़ें आपको झेलने को मिल सकता है। अगर आपके जीवन में जो भाग्य रेखा है अगर आपके हथेली के जितने दूरी से, मतलब ये देखो ये कितने दूरी से मणिबंध से निकल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में लेट से प्रोग्रेस होगी। वहीं अगर ये मिडिल से या इधर से अगर ये रेखा आगे बढ़ती तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस जो है यानी कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना, लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो जाना, प्रोग्रेस होना, वो आपको कम उम्र से ही देखने को मिलती है। तो और मैं तो अपने नहीं बताऊंगा लेकिन मैंने ऐसा देखा है। अगर किसी अन्य रेखा से ये भाग्य रेखा को कट जाए या कोई और रेखा कहीं से भी निकल कर अगर भाग्य रेखा को काटे, तो ये भाग्यहीनता का संकेत है। मतलब भाग्य मतलब आप प्रोग्रेस तो कर रहे थे पर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर या कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपका प्रोग्रेस रुक गया या नहीं हुआ, भाग्यहीनता हो गया। अगर आपका फेट लाइन भाग्य रेखा ये जो हार्ट लाइन है, मतलब इसे क्रॉस ना करें लेकिन हार्ट लाइन में जाके मिल जाए, इसका मतलब होता है कि आपको प्रेम संबंधों में असफलताएं मिली हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर ये रेखा गुरु पर्वत तक, मतलब ये जो फेट लाइन है ये इधर इधर की ओर मुड़ जाए, मतलब गुरु पर्वत की ओर अगर बढ़ती है, तो आपका जो प्रेम जो भी मतलब प्रेम जो भी आपने किया है किसी के साथ भी, तो वो सफल होगा। ये भाग्य रेखा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सक्सेस को दिखाता है। इसलिए आपका एजुकेशन का आकलन करना हो, करियर, लाइफ पार्टनर, सक्सेस, आप सफल होगे कि निष्फल होगे इन सभी एरियाज़ में, तो हम बाकी रेखाओं के साथ साथ फेट लाइन का आकलन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके हाथ में फेट लाइन यानी कि यह भाग्य रेखा एक से अधिक हो, जैसे कि ये थी या और भी रेखा है, मतलब मल्टीपल फेट लाइन्स होने से ये दिखाता है कि ये बहुत ही शुभ है, एक सपोर्ट मिल जाता है कि चलो मैं इस रास्ते से अगर सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी तो है, तो उस तरीके से ये सपोर्टिंग लाइन्स आपको हेल्प करती है सक्सेस में। वहीं यदि ये भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा में जाकर मिल जाए,
यानी कि मस्तिष्क रेखा आपका इधर हो गया, तो अगर ये फेट लाइन यहीं पर आके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है माइंड लाइन में, तो आप खुद की गलती से आपको असफलताएं मिलती है। मतलब यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। अब क्यों आप फेलियर हुए हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कुछ ना कोई डिस्ट्रैक्शन व रेखा आपको इधर से उधर की और आपको रोक दी इसी, और आपका मन रुक गया वहाँ पर। आप मन से अब कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे हो, काम ही नहीं कर पा रहे, आपको मेंटली स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही है, तो आप असफल हो जाओगे। तो ये फेट लाइन का मैंने थोड़ा सा आपको विवरण कि फेट लाइन से हम क्या क्या देख सकते हैं और किस तरीके से हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे क्या है, वो सब चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए पाल्मिस्ट्री को लेकर या किसी भी और ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं।